नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से तंज कसते हुए कहा कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसलिए उनको अपना नाम बदलकर शिवराज सलमान रख लेना चाहिए। बता दें कि सोमवार को बड़वानी में कांग्रेस की तरफ से आदिवासी अधिकार जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत के मौके पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रदेश के भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं तो कहता हूं कि आप शिवराज सलमान बन जाइए, क्योंकि आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। आगे कमलनाथ कहने लगे कि सलमान खान कहते हैं कि मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, मैं तो कैसे शिवराज सलमान बनने दूंगा, और शिवराज कहते हैं कि मैं तो झूठ बोलने से बाज आता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे शिवराज सलमान बनूंगा। पर दोनों में एक खूबी है कि दोनों अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, इसीलिए मैं शिवराज सिंह से कहता हूं कि आप बंबई जाइए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए और एक्टिंग करिए, जो एक्टिंग आप जनता के सामने करते हैं और उनको गुमराह करने के लिए। कमलनाथ के ऐसे कहते ही वहां मौजूद लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में आज तीजा पोरा तिहार धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों की छटा को देखते ही बनता है। ऐसे में इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने कांग्रेस की महिला सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ भगवान शिव, नंदी बैल और चुंकिया पोरा की पूजा की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर आयोजित किए गए तीजा पोरा तिहार के अवसर पर महिला और बाल विकास द्वारा संचालित किए गए पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों में भ्रमण के लिए रवाना किया। ये रथ विभिन्न गांव में भ्रमण कर पोषण का संदेश देगा। साथ ही इस रथ में सुपोषण पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर विवाद गर्मा गया है। बीजेपी का कहना है कि मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। बीजेपी का आरोप है कि तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि किसान महापंचायत में कितनी भीड़ है। राहुल गांधी ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, डटा है, निडर है, इधर है भारत का भाग्य विधाता। हालांकि अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का जिक्र नहीं किया था। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोल डाला है। पात्रा ने कहा कि अपने संगठन को आगे नहीं बढ़ाना, अपने संगठन को अध्यक्ष विहीन रखना, परिश्रम नहीं करना और दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास राहुल गांधी जी की आदत बन चुका है। और अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। इससे पहले अभी तक सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं और इसी क्रम में अब भाजपा ने प्रवासियों को लेकर खास रणनीति तैयार की है। इसके मुताबिक अब राज्य से बाहर रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
भाजपा का मानना है कि इस चुनाव में प्रवासी अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और बंगाल समेत अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इन लोगों को मनाने में जुट गई है। बताया यह जा रहा है कि इन लोगों को योगी सरकार के 5 साल के फैसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के काम का प्रचार करने आएंगे। बताते चले कि महाराष्ट्र से 50,000 लोग यूपी पहुंचेंगे। ये लोग भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। और इसी बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने रविवार को मुजफ्फरनगर में आयोजित किए गए किसान पंचायत को लेकर संबोधित किया। साथ ही उन्होंने जीआईसी ग्राउंड में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ भी उमड़ चुकी है। इस दौरान आपको बता दें कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर राकेश टिकैत ने जमकर निशाना साधा है। बताते चले कि मुजफ्फरनगर की हर चौराहे पर और गली में किसान ही किसान दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं किसानों की रैली पर तंज कसते हुए यूपी भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किसान नेता राकेश टिकैत के एक ट्वीट पर लिखा कि 20,000 जुटा ना पाए 20 लाख का दावा कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि 4 फोटो ट्वीट की हैं और चारों में खुद का ही अपना चेहरा दिखा रहे हैं और इसी के खिलाफ चेहरा दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सुना है मियां खलीफा के आने की अफवाह भी उड़ाई गई थी जिसकी वजह से थोड़ी बहुत भीड़ आई थी, लेकिन भीड़ बहुत निराश होकर गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किसान नेता राकेश टिकैत के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए यह हमला बोला है। अपने ट्वीट में राकेश टिकैत ने लिखा था कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक 20 लाख किसानों ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर तानाशाह सरकार को एक बार फिर से सर्टिफिकेट दे दिया है। जिन्हें वो मुट्ठी भर किसान कहते हैं वो पूरे देश के किसान हैं। और तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज यानी 6 सितंबर को कोई बदलाव नहीं किया है। एक दिन पहले पेट्रोल डीजल के दामों में 15 पैसे की कटौती की गई थी और इससे पहले 1 सितंबर को 15-15 पैसे प्रति लीटर की कमी आई थी, जबकि 2 से 4 सितंबर तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि सितंबर में तेल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। राष्ट्रीय राजधानी में आज पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बनी रही। इसी तरह से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 107 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर, 98 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर और 101 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में डीजल की कीमत 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर, 96 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, 93 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर और 91 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर हो गई है। और आरजेडी में जारी खींचतान के बीच लालू यादव के बड़े लाल और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने अलग से एक मोर्चे का गठन कर लिया है। शिक्षक दिवस को अपने आवास पर आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक संगठन छात्र जनशक्ति परिषद का गठन कर लिया है। इस संगठन का अध्यक्ष प्रशांत प्रताप को बनाया गया तो वहीं आर्यन राय को उपाध्यक्ष और पीयूष को महासचिव बनाया गया है। संगठन के गठन के बाद तेज प्रताप यादव ने सोमवार को एक ट्वीट किया है जिससे कयासों का दौर शुरू हो चुका है। बताते चलें कि अपने तेवर के लिए जाने जाने वाले हसनपुर विधायक ने लिखा कि एक हिंसक क्रांति हमेशा किसी ना किसी तरह की तानाशाही लेकर आई है। क्रांति के बाद धीरे धीरे एक नया विशेषाधिकार प्राप्त शासकों और शेषकों का वर्ग खड़ा हो जाता है। लोग एक बार फिर से जिसके अधीन हो जाते हैं। दरअसल आरजेडी के अध्यक्ष आकाश यादव को पद से मुक्त किए जाने के बाद से ही तेज प्रताप खासा नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से है। इसी बीच आपको बताते चलें कि एक कार्यक्रम में तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को हिटलर भी बता दिया था, जिसके बाद वो काफी नाराज हो गए थे। नाराज होकर उन्होंने पार्टी कार्यालय आना ही छोड़ दिया।